थर्ड के लिए चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है इसको देखते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। कितने पोस्टुलेट्स हैं हमारे? 5 पोस्टुलेट्स हैं। यहाँ कह रहा है कि 2 पोस्टुलेट्स को लेकर के एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। क्या है? गिवेन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच लाई बिटवीन ए एंड बी। अब कह रहा है कि जैसे एक लाइन है हमारा ए और बी, और इसी के बीच में बिटवीन दिस एक सी पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट के लिए देखते हैं। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कह रहा है कि 3 पॉइंट है ए बी, और जो थर्ड पॉइंट है वो ए बी लाइन के ऊपर ना हो करके कहीं और है। ठीक है। Do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow from Euclid postulates? Explain. कह रहा है कि क्या यहाँ पे undefined terms हैं, और साथ ही ये पूछ रहा है हमसे क्या ये postulates के जो हैं ये rule follow कर रहे हैं। Done. There are several undefined terms. अब postulates के rule देखिए, आप एक बात समझिए, एक ही साथ ऐसे condition कैसे हो सकता है कि फर्स्ट में तो कह रहा है कि सी बिटवीन है, सेकंड में कह रहा है कि तीनों लाइन एक तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर नहीं है, तो दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो सकती है? नहीं ना, तो ये है ही नहीं। इसलिए यहाँ पे कई सारे अनडिफाइंड टर्म्स हैं। अब कह रहे दे आर कंसिस्टेंट है बिकॉज दे डील विद 2 डिफरेंट सिचुएशन। तो अलग अलग सिचुएशन से दोनों डील कर रहे हैं, इसलिए क्या है? कंसिस्टेंट है। Say that given 2 point A and B, there is a point C lying on the line between them. पहला condition first question के first number के according. दूसरा कह रहा है कि दोनों एक ही line पे नहीं lie करता है, not lying on the line through A and B. These postulate do not follow from Euclid postulate. है ही नहीं ऐसा। अलग अलग condition में कैसे हो सकता है? एक ही बंदा यहाँ पर भी हो, वही बंदा same time पर दूसरे जगह पे हो, this is not possible. है ना, केवल ट्विंस के केस में तो फिर भी अलग अलग हो गए, चलिए वो तो अलग बात है। ठीक है, तो ये सिचुएशन कहीं से भी सही नहीं हो रहा है, लेकिन एग्जाम्स 5.1 के लिए इसको माना जा सकता है। डन। तो इतना यह है कि हमें 2 कंडीशन दे दिया गया है, दोनों कंडीशन को लेकर के कह रहा है क्या एक साथ सही है, तो बिल्कुल नहीं, दोनों एक साथ सही कैसे हो सकता है, और ये गलत है। ठीक है, डन।